हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम होम। माय सेल्फ मिस्टर वैभव सर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड सिविक्स स्टैंडर्ड 6, एंड हियर इज द लेसन नंबर 4, द वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेसन। यह हमारे लेसन का दूसरा पार्ट है। इन द फर्स्ट पार्ट वी सॉ 4.1 द वैदिक लिटरेचर, 4.2 फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फोर पॉइंट थ्री एग्रीकल्चर मीन्स खेती, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, इकोनॉमिक आर्थिक एंड सोशल लाइफ, आर्थिक और सामाजिक जीवन अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में एग्रीकल्चर खेती जो था वह प्रमुख व्यवसाय था। मेनी ऑक्सेन वर योक टुगेदर, जो बहुत सारे बैल होते थे उनको एक साथ जोता जाता था, टू प्लो द फील्ड, फील्ड की खेती की जुताई करने के लिए। द प्लो हैड आयरन प्लो शेयर्स, और ये जो प्लो होते थे, जो हल होते थे, वह आयरन के बनाए जाते थे, लोहे के बनाए जाते थे। द अथर्ववेद कंसिडर्ड इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड सजेस्ट सर्टन रेमेडीज। ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में जो कीड़े हैं, पेस्ट है, आफ्टर दैट एनिमल दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो फसल को ख़त्म करते हैं, ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर, उनके बारे में नॉलेज दिया हुआ है अथर्ववेद में, और उनके ऊपर उपाय भी, सुझाव भी दिए गए हैं। उनके उपाय जो कुछ भी है वह भी सुझाए गए हैं अथर्ववेद में। काउडंग वॉज यूज एज मैनर, मैनर मीन्स खाद, काउडंग मीन्स गोबर, गोबर जो होता था वह खाद के रूप में खेती में यूज किया जाता था। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल के समय में, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउस एंड डॉग्स हैड स्पेशल इम्पोर्टेंस। वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में जो एनिमल्स है लाइक हॉर्सेस, काउज एंड डॉग्स, इनको विशेष महत्व था। काउज वर यूज एज मीन ऑफ एक्सचेंज, जो गाय थी, काउज थी, उनका उपयोग लेन देन के लिए किया जाता था। दैट इज वाई, इसी वजह से काउज वर हाईली प्राइज, इसीलिए गाय की कीमतें जो थी वह बहुत ज़्यादा थी, गाय को बहुत ही कीमत थी। पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन। लोग अपनी गायों की ज़्यादा देखभाल रखते थे, क्यों? क्योंकि वह स्टोलन में चोरी ना हो जाए उनकी, इसलिए लोग अपने गायों की क्या करते थे, ज़्यादा देखभाल रखते थे। द हॉर्स वॉज वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। हॉर्स को भी, घोड़ों को भी बहुत कीमत थी, मूल्य था, क्योंकि उसकी गति के लिए उसकी कीमत ज़्यादा थी। द वैदिक पीपल वर स्किल्ड इन ट्रेनिंग इन टेमिंग द हॉर्सेस, और वैदिक काल के जो लोग थे वह बहुत ही कुशल थे, टेमिंग मीन्स पालतू बनाने में, घोड़ों को पालतू बनाने में वह बहुत ही कुशल थे। एंड हैरनेसिंग देम टू द चैरेट, और जो चैरेट होता था, रथ, उसके काम में लाने में वह बहुत ही कुशल थे, वैदिक काल के लोग। चैरेट इज द वैदिक पीरियड हैड स्पोक्ड व्हील्स विच आर लाइटर देन सॉलिड व्हील्स। चैरेट मीन्स जो रथ रहता था, वह जो वैदिक पीरियड में यूज किया जाता था रथ, हैड स्पोक्ड व्हील्स मीन्स उसके जो रेखा वाले चक्के होते थे, विच आर हायर दैन सॉलिड व्हील्स, जो आमतौर पे जो
पहिए बनाए जाते थे, चक्के बनाए जाते थे, उससे वह क्या होते थे, लाइटर देन सॉलिड व्हील्स, मीन्स हल्के होते थे। द हॉर्स ड्रॉन एंड स्पोक्ड व्हील कैरियड ऑफ द वैदिक पीरियड वर स्विफ्ट एंड स्पीडी। द हॉर्स ड्रॉन मीन्स हॉर्स जो थे, घोड़े जो थे, इस चैरेट के जो व्हील्स होते थे उसकी वजह से वह चैरेट खींचते थे। कैसे? जलद और तेजी से खींचते थे। अभी ये चैरेट क्या होता है वह हम देखेंगे। दिस इज कॉल्ड चैरोट। ये जो रथ दिख रहा है बैलगाड़ी के जैसे, इसको चैरोट कहते थे। चैरोट मीन्स रथ, जिसको घोड़े जोत के भगाया जाता था, जो रेसिंग के लिए यूज करते थे वैदिक काल के लोग। इन दिस पीरियड, इस काल में, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा, खेती के अलावा, एंड एनिमल हस्बेंडरी, पशुपालन के अलावा, सेवरल अदर ऑक्यूपेशंस हैड ऑल्सो फ्लरिश। दूसरे भी कई सारे व्यवसाय जो थे वह विकसित हुए थे खेती और पशुपालन के अलावा। आर्टिसंस एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशंस वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम। आर्टिसंस मीन्स जो कारागिर थे, एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशन, जो दूसरा व्यवसाय करते थे ऐसे लोग, वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम। ये सामाजिक व्यवस्था के ये दूसरे लोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनमें आर्टिसंस मीन्स कारागिर और दूसरा व्यवसाय करने वाले लोग आते थे। दे फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज श्रेणीज और ग्लिट्स, और इन्होंने अपना खुद का स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन बनाया हुआ था, जिसे श्रेणीज नाम दिया गया था या फिर ग्लाइट। द हेड ऑफ द ग्लाइट वॉज नोन एज श्रेष्ठी, और ग्लाइट का जो हेड होता था, जो मुखिया होता था, उसे श्रेष्ठी कहा जाता था, श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। हाउएवर, हालांकि, स्लोली, धीरे धीरे, द स्टेटस ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस बिकम सेकेंडरी। हालांकि धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो स्किल्ड आर्टिसंस थे, कुशल कारागिर थे, इनकी जो इनका जो दर्जा है वह सेकेंडरी हो गया, मीन्स कम होते गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में, देर वर फोर वर्नास, चार वर्नास थे। कौन कौन से वर्ना थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो ये चार वर्ना इसी पीरियड में थे, वैदिक पीरियड में। ए वर्ना वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल, लोग जो व्यवसाय करते थे उसी हिसाब से यह वर्ण जो थे वह तय किए गए थे। इन द लैटर पीरियड, बाद में, द वर्नास केम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और बाद में ये जो वर्नास है वह तय किए गए जन्म के स्थान से, मीन्स जन्म के ऊपर वह तय किए गए ये वर्नास। दिस गेव राइज टू कास्ट, और इसी से जातियों का जन्म हुआ, जातियां पैदा हुई। द कास्ट सिस्टम लेड टू अनइक्वेलिटी इन द सोसाइटी, और जो कास्ट सिस्टम बन गया इसमें से, वह उस वजह से इस समाज में क्या आ गई, असमानता आ गई, अनइक्वेलिटी मीन्स असमानता आ गई थी। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, इसी वैदिक काल में, सर्टन नेशंस अबाउट लीडिंग एन आइडियल लाइफ हैड बिकम वेल एस्टैब्लिश। सो इसी काल में कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जो आदर्श जीवन जीने के लिए क्या हो गए थे, स्थापित हो गए थे। देर वर फोर स्टेजेस और फोर आश्रमास, उनमें फोर स्टेजेस थे, मीन्स फोर, चार चरण थे या फिर चार आश्रम थे, ऐसा कहा गया है। तो कौन कौन से आश्रमास थे? फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो जन्म से लेके मृत्यु तक चार स्टेजेस, चार चरण में उसे डिवाइड किया गया था, चार आश्रमों में। सो कौन कौन से आश्रम थे? द फर्स्ट आश्रमा वॉज ब्रह्मचर्य आश्रमा। सो ब्रह्मचर्य आश्रमा इज द फर्स्ट आश्रम, और द पीरियड ऑफ सेइंग विद द गुरु
टू लर्न फ्रॉम हिम, और इस ब्रह्मा जाना पड़ता था कि गुरु से द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन, कंप्लीशन के बाद वह होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। इस काल में गृहस्थाश्रम में क्या करना होता था? अ मैन वुड कैरी आउट हिज ड्यूटी कर्तव्य है समाज के लिए, फैमिली के लिए वह पूरे करने होते थे अपने वाइफ के साथ, अपनी वाइफ की मदद लेके, अपनी पत्नी की मदद लेके। थर्ड स्टेज वॉज वानप्रस्थाश्रम। सो थर्ड जो था आश्रम वह वानप्रस्थाश्रम था। वेन अ मैन वॉज एक्सपेक्टेड टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस होल्ड, रिटायर टू अ सॉलिटरी प्लेस एंड लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। तो इस वानप्रस्थाश्रम में क्या अपेक्षित था कि लोगों को अपना जो लाइफ है, रिटायर होना पड़ता था, अपने घर के कामों से संन्यास लेना होता था। सॉलिटरी प्लेस मीन्स जो एकांत के स्थल है वह छोड़ देने पड़ते थे, एंड लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, और अपने जो जीवन है वह साधारण तरीके से जीना अपेक्षित था इस वानप्रस्थाश्रम में। द फोर्थ स्टेज वॉज द संन्यासाश्रम, और चौथा जो चरण था वह था संन्यासाश्रम। एट दिस स्टेज इस चरण में द कन्वेंशन वॉज टू रेनाउंस ऑल रिलेशंस, लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अपेक्षित था संन्यासाश्रम में कि पूरा जो अपना रिलेशंस है, अपने जो नाते संबंध है वह छोड़ के उसका हमें त्याग करना होता था, एंड लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के अर्थ को समझने के लिए जीवन व्यतीत करना होता था इस संन्यासाश्रम में। एंड नॉट स्टे इन वन प्लेस, एक जगह में रहना नहीं अलाउ था, एक जगह पे रहना नहीं था इस संन्यासाश्रम में, यह ऐसा रूल था। नाउ नेक्स्ट इज 4.4 रिलीजियस आइडियाज, मीन्स धार्मिक विचार। इन द रिलीजियस आइडियाज ऑफ द वैदिक पीरियड, धार्मिक विचार जो थे इस वैदिक पीरियड में, फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज द सन, वाइन, रेन, लाइटनिंग, स्ट्रोम एंड रिवर्स वर गिवन द फॉर्म ऑफ डिटीज। सो नेचर को ही इन लोगों ने, नेचर पर ही, प्रकृति को ही, प्रकृति पर ही बल दिया था, और जैसे कि सन, विंड मीन्स हवा, रेन मीन्स पानी, लाइटनिंग बिजली, स्ट्रोम मीन्स धारा प्रवाह, एंड रिवर्स नदियों को ये लोग क्या मानते थे? फ्रॉम ऑफ डिटीज, डिटीज मीन्स अपने देवता मानते थे। वैदिक कंपोजिशंस प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। सो वैदिक कंपोजिशंस जो थे, वैदिक रचनाएं जो थी, उसमें प्रे किया गया था, प्रार्थना दी हुई थी इन लाइफ को आसान बनाने के लिए, जीवनदायी शक्तियों को आसान बनाने के लिए कैसी प्रार्थना की जानी चाहिए, यह उनकी रचनाएं एक वैदिक कंपोजिशन में थी। द वैदिक पीपल पुट ऑफ स्प्रिंग इन टू द यज्ञ फायर टू प्लीज देम, और जो वैदिक पीपल थे वह
यज्ञ जब करते थे तो उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में प्रसाद चढ़ाते थे, ताकि यह जो देवी देवता जो थे वह प्रसन्न हो जाए उनके लिए। और उनकी लाइफ जो है वह अच्छी बने, वह देवता उनके ऊपर प्रसन्न रहे, इसलिए वह लोग यज्ञ में प्रसाद चढ़ाते थे। दीज ऑफ स्प्रिंग वर कॉल्ड हावी, और वह जो प्रसाद होता था उसे हावी कह के हावी नाम दिया था उन्होंने। यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हावी इन टू फायर। और यज्ञ क्या होता था, यह यज्ञ एक ऐसी कृति होती थी जो ये जो हावी होता था, ये जो प्रसाद होता था वह उस आग में चढ़ाते थे। इनिशियली शुरुआत में द यज्ञ राइट्स वर सिंपल, सो ये जो यज्ञ करने के जो संस्कार थे वह बहुत ही सिंपल थे, सादे थे। लेटर ऑन बाद में द रूल्स ऑफ यज्ञ बिकम हार्डर एंड हार्डर, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो नियम बनाए गए यज्ञ करने के वह कड़े से कड़े थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग, और वो जो पुजारी होता था जो यज्ञ करता था उसकी भी जो इम्पोर्टेंस था, उसका भी इम्पोर्टेंस जो था, महत्व था, वह दिन ब दिन बढ़ते गया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस प्रीस्ट डूइंग समथिंग, यहाँ पे ये जो प्रीस्ट है वह अग्नि को कुछ प्रसाद चढ़ा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड यज्ञ, ये जो होता है इसको यज्ञ कहा जाता है। पीपल इन द वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट हाउ द नेचुरल फिनोमिनन ऑकर, लोग समझने लगे थे कि ये जो नैसर्गिक घटनाएं हैं वह कैसे घटती है। समर इज फॉलोड बाय रेनी सीजन, जो गर्मी का सीजन होता है वह उसके बाद रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, एंड रेनी सीजन बाय विंटर, और रेनी सीजन खत्म होने के बाद, बारिश का मौसम खत्म होने के बाद सर्दी का मौसम शुरू होता है। दिस इज अ रेगुलर साइकिल ऑफ नेचर, यह निसर्ग चक्र का नियमित चक्र है, निसर्ग का नियमित चक्र है। द साइकिल इन नेचर एंड द लाइफ साइकिल दैट मूव विथ इट वेयर टर्म बाय द वैदिक पीपल एज रीटा। द साइकिल इन द नेचर, ये जो निसर्ग का चक्र है, एंड द लाइफ साइकिल, और ये जो जीवन चक्र है, दैट मूव विथ, जो बदलता रहता है, इट वर टर्म, इसे ही कहा गया है वैदिक लोगों की भाषा में, उसे रीटा कहा जाता था। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज अ पार्ट ऑफ द लाइक द साइकिल इन नेचर, ये जो नैसर्गिक चक्र है इसका यह एक हिस्सा है, हमारी जो लाइफ है, लिविंग बींग्स है, जो जीवित चीज़ें हैं वह, यह सब इस निसर्ग के चक्र का एक हिस्सा है। डिस्टर्बेंस इन द लाइफ इन द साइकिल ऑफ नेचर लीड्स टू क्लैमिटीज, अगर इस चक्र में कुछ गड़बड़ी की जाए तो क्या हो जाएगी, वह आपदाओं को उत्पन्न करेगी। एवरी वन शुड बी केयरफुल नॉट टू लेट इट हैपन, और सभी लोग जो थे वह केयरफुल थे, सावधान थे कि ऐसा कभी हो ना, आपदा आनी नहीं चाहिए, इसलिए वह लोग बहुत ही सावधान थे। नो बडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, कोई भी नैसर्गिक नियम जो है वह तोड़ता नहीं था। इट वॉज बिलीव दैट, यह विश्वास किया जाता था दैट फॉलोइंग दीज रूल्स वॉज टू फॉलो धर्मा, और जो रूल्स जो नियम बनाए गए थे नेचर को ना छेड़ने के, उन रूल्स को, उन नियम को जो फॉलो करता है, उस नियम को क्या कहा जाता था, धर्मा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज 4.5 पॉलिटिकल सिस्टम, मीन्स राजनीतिक व्यवस्था। इन द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में, ईच विलेज हैड हेड नोन एज ग्रामिनी, ग्रामनी, सो हर कोई गांव जो होता था उसका जो हेड होता था उसे ग्रामिनी के रूप नाम से जाना जाता था। ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का जो समूह होता था, फॉर्म अ विश, गांव के समूह को क्या कहा जाता था, विष कहा जाता था, उससे विष बनता था।
हुज हेड वॉज कॉल्ड विषपति, और इन विष का जो मुखिया होता था उसे विषपति कहा जाता था। सेवरल विष फॉर्म जना, और ऐसे बहुत सारे विषों को जोड़ के जन बनाया जाता था। लेटर वेन द जना सेटल इनटू अ स्पेसिफिक रीजन, बाद में जब यह जना सेटल हो गए, बस गए इन अ स्पेसिफिक रीजन, एक विशिष्ट क्षेत्र में, इट केम टू नोन एज जनपदा, जनपद, और इन्हें बाद में क्या कहने लगे लोग, जनपद कहने लगे। द हेड ऑफ द जना वॉज नोन एज नृपा, और राजा, किंग, और इस जनपद का जो मुखिया होता था, जो हेड होता था, उसे नृपा के नाम से, या फिर राजा जिसे किंग कहा जाता है, उस नाम से लोग जानते थे। द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग वर द प्रोटेक्ट द पीपल, तो उस राजा की मुख्य कर्तव्य क्या था, लोगों को संरक्षण करना, लोगों का रक्षण करना, कलेक्ट टैक्सेस, जो कर होते थे उनको जमा करना, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंटली, और कुशलता से प्रशासन चलाना, ऐसा उस जनपद के राजा का काम रहता था। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, जो प्रशासन है वह आसानी से चलाने के लिए, द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर्स, जो राजा होता था वह अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करता था। द पुरोहित मीन्स प्रीस्ट एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वर ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस, जो पुरोहित होते थे मीन्स पूजा करने वाले, प्रीस्ट पुजारी, एंड द सेनापति जो आर्मी का प्रमुख होता था उसे सेनापति कहा जाता था, उनका अपना विशेष इम्पोर्टेंस था, महत्व था। द ऑफिसर हु कलेक्टेड द टैक्सेस वॉज नोन एज बागदूक, जो ऑफिसर, जो अधिकारी कर जमा करता था उसे बागदूत के नाम से पुकारा जाता था, जानते थे लोग। बाग मीन्स शेयर, भाग का मतलब होता था शेयर, हिस्सा। द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ जना वॉज कॉल्ड बागदूत, और जो राजा का हिस्सा होता था, जो जना के लोग, जना का जो प्रोड्यूस होता था, जो उत्पाद होता था, उसमें से राजा का जो हिस्सा होता था, वो जो कलेक्ट करता था, उसको भागदूत के नाम से जाना जाता था, उसे भागदूत कहा जाता था। देर वर फोर इंस्टीट्यूशन हु गाइडेड द किंग, और वहाँ पे चार ऐसे संस्थान थे जो राजा को गाइड करते थे, मार्गदर्शन करते थे। कौन कौन सी चार संस्थाएं थी, सभा, समिति, विधात एंड जना, ये चार जो समितियाँ थी वह राजा को मार्गदर्शन करती थी, गाइड करती थी, सभा, समिति, विधात एंड जना। द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट इन देयर वर्किंग, सो वो जो कार्यभार चलता था, काम काम का चलता था, उसमें जो लोग थे वह सहभागी होते थे, पार्टिसिपेट मीन सहभागी होना। वुमेन टू पार्टिसिपेटेड इन वर्किंग ऑफ सभा एंड विदात, सभा और विदात का जो कामकाज होता था उसमें महिलाएं भी सहभाग लेती थी। द सभा कंसिस्टेड द सीनियर सिटीजन, और ये जो सभा होती थी उसमें सीनियर सिटीजन्स मीन्स बूढ़े लोग होते थे ऑफ द स्टेट, उस राज्य के। वेयर एज, हालांकि, द समिति वॉज जनरल बॉडी ऑफ द पीपल, और जो समिति होती थी उसमें सामान्य लोग होते थे, कॉमन एज के लोग होते थे, और ये जो सभा होती थी उसमें सीनियर सिटीजन मीन्स बूढ़े लोग रहते थे। लेटर ऑन द वैदिक थॉट स्मृति एंड पुरानाज वर कंपोज, और उसके बाद वैदिक विचार और स्मृति एंड पुराणास ये जो है रचे गए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद, द रिलीजियस स्ट्रीम बेस्ड ऑन द वेदाज स्मृतिज पुराणास एंड लोकल ट्रेडिशंस केम टू बी नोन एज हिंदुइज्म,
सो उसके बाद समय बीतने के बाद द रिलीजियस स्ट्रीम, ये जो धार्मिक प्रवाह था जो बेस्ड था वेदास के ऊपर, स्मृतिज एंड पुराणाज एंड लोकल ट्रेडिशन में स्थानिक परंपराओं के ऊपर जो धार्मिक प्रवाह बना हुआ था उसे ही हिंदुज्म के नाम से लोग जानने लगे। अलोंग विद द वैदिक स्ट्रीम, वैदिक धारा के साथ, देर वर द अदर रिलीजियस ट्रेंड विच टुक अ डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द वैदिक वन। और दूसरे भी ऐसे धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी जो अपना स्थान जो है अलग बनाती थी वैदिक सभ्यता से। रिगार्डिंग यज्ञ राइट्स एंड द वर्ना सिस्टम, वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो ये जो रिगार्डिंग यज्ञ राइट्स एंड वर्ना सिस्टम, यज्ञ राइट्स मीन्स यज्ञ करने के जो संस्कार है, आफ्टर दैट वर्ना सिस्टम, ये वर्ना सिस्टम जो है उसके बारे में हम अगले चैप्टर में, अगले लेसन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।